भारत के साथ सीरीज नहीं खेल पा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि अब पाकिस्तान अपने कोच की सैलरी भी नहीं दे पा रहा, जिससे नाराज होकर फील्डिंग कोच स्टीव रिक्सन ने टीम का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज स्टीव रिक्सन ने ऐलान कर दिया है कि स्कॉटलैंड दौरे के बाद वह फील्डिंग कोच के पद से इस्तीफा दे देंगे। पाक मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान जब इंग्लैंड दौरे पर थी तो उस वक्त रिक्सन ने टीम के साथ अभ्यास के लिए मैदान पर जाने से ही इनकार कर दिया था। रिक्सन के इस्तीफे देने के पीछे सैलरी में देरी वजह बताई जा रही है। साथ ही लाहौर में सही आवास न मिलना, अकादमी में धीमे इंटरनेट की भी उन्होंने शिकायत की है। लीड्स टेस्ट से पहले रिक्सन नाराज हो गए थे क्योंकि उनकी $8,000 सैलरी उनके बैंक अकाउंट में समय पर नहीं डाली गई। यह टेस्ट पाकिस्तान पारी और 55 रनों से हार गया था। इस्तीफा देने के ऐलान कर चुके फील्डिंग कोच स्टीव रिक्सन फिलहाल 12 जून को पाकिस्तान के साथ स्कॉटलैंड दौरे पर रहेंगे, जहां पाकिस्तान 2 T20 मैच खेलेगा। आपको बता दें, स्टीव रिक्सन ने 2 साल पहले पाक के मुख्य कोच मिकी आर्थर के साथ बतौर फील्डिंग कोच जिम्मेदारी संभाली थी।